ये हमारा साग गाइस, ये हमारा साग है, लाल हमारा नहीं है, ये उनका है। ये तो कैसा फील हो रहा मुजम्मिल यहाँ के? भाई मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहली बार मैं आया हूँ इसी जगह पर। अच्छा, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपको लाल साग देखे देख सकते हैं, लाल साग ये देखे, लाल साग ही सिर्फ लाल साग है। और फालसा भी है यहाँ पे, लाल साग भी है, बैर का दरख्त भी है, आम का भी है। अभी आम का सीजन तो नहीं है, खैर। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, मैं तो पहली बार आया, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह आपको वीडियो भी देख के बहुत मज़ा आएगा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं इस्तमा का और फारम गरम रसाला, तो हम लोग वहाँ पहुँचते और दिखाते कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली हम लोग पहुँचने वाले पहुँचने वाले फारम की तरफ। फारम की तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल से हम जा रहे हैं, फारम का रास्ता ठीक है, जंगली जंगली घुमा के। तो गाइस आप देख सकते हैं देख सकते हैं काफ़ी लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह का खतरनाक इलाका है ये। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं फार्म, और आपको दिखाते हैं ये रहा, अभी गेट खुलवाते हैं, मामू को आवाज़ दे चुके हैं। तो ये रहा, ये खैराबाद, खैराबाद के एरिया कहलाता है इस्तमा का, अगर भी उस तरफ बाग भी है ना, ये पूरा बाग भी है। और आपको भी आज बाग का भी वो दिखाते हैं, पूरा बाग है, केला का बाग है और बहुत सारे फ्रूट वगैरह हैं, सब्ज़ी वगैरह है। तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको क्या है वाले मामू आ रहे। गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं गाइस, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरा बाग बाग है यहाँ, पूरा बाग ही बाग खेत में है सिर्फ। सो गाइस कैसा लोकेशन है आप बताइएगा मुझे कमेंट में। ये देखिए लाल साग, ये लाल साग की खेती हो रही है यहाँ पे, और बाकी मामू से पूछते हैं भी क्या क्या यहाँ पे। और गाइस ये केले का खेत हुआ है, ये केले का बाग है, ये रहा केला। सो गाइस आप यहाँ पे सांप भी हो सकता है भाई, थोड़ा सा एहतियात से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये देखिए केला लगा हुआ यहाँ पे भी, केला का पूरा बाग, केला ही केला है यहाँ पे, और लाल साग लगा हुआ है। कहाँ है फालसा, कहाँ है मामू? चलो अभी फालसा का भी दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाइस आपको हम फालसा का दरख्त दिखाने वाले हैं। आप लोगों ने फालसा तो बहुत खाया होगा, शरबत भी पिया होगा, फालसा दरख्त भी देखा होगा आप लोग। अच्छा हमको सिखा रिया है। ये देखिए ये दरख्त है फालसा का, ये पूरा बागात जो है फालसा का है, आप देख सकते हैं। तो कैसा फील हो रहा मुजम्मिल यहाँ के? भाई मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहली बार मैं आया हूँ इसी जगह पर, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपको लाल साग देखे देख सकते हैं, लाल साग ये देखे, लाल साग ही सिर्फ लाल साग है। और फालसा भी है यहाँ पे, लाल साग भी है, बैर का दरख्त भी है, आम का भी है। अभी आम का सीज़न तो नहीं है, खैर। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह आपको वीडियो भी देख के बहुत मज़ा आएगा। ये है टैंकी यहाँ की, देख सकते हैं आप, बहुत गहरा है ये। और चापाकल भी लगा हुआ है यहाँ पे आगे, बोरिंग भी है यहाँ पे, तो उसके तरफ भी चलते हैं हम लोग। चलते हैं पहले खेत के अंदर, ये देखिए ये आम का दरख्त है। आज फालसा भी दिखाते हैं आपको, देखिए ये है फालसा। ये लगा हुआ फालसा, ये है आम का पेड़। अरे कहना क्या चाहते हो? ये पूरा फालसा लगा हुआ है। गाइस ये फालसा के जो है फल्ली है, ये फूल है, समझ लिए फालसा यहाँ लगेगा। फालसा लगेगा तो इंशाल्लाह फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे हम। आप लोग अगर लाइक शेयर कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसका पार्ट टू चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर लिखें, तो इस वीडियो का पार्ट टू भी हम बनाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दूसरी खेती यहाँ पर हो चुकी होगी, फालसा खत्म हो चुका होगा, टमाटर वगैरह होगा। अभी आपको धनिया की खेती की तरफ लेके चलते हैं हम। तो गाइस तो ये देखिए ये धनिया का खेती है, धनिया खेत है और इसमें धनिया उगा हुआ है, थोड़ा करीब ले लीजिए कैमरा। ये देखिए गाइस, देखिए धनिया, आप देख सकते हैं धनिया यहाँ पे, जिससे हम सालन वगैरह में डालते हैं, हम सालन वगैरह में डालते हैं। तो गाइस ये पूरा धनिया का खेत है, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं हम इस तरफ तुरई और लौकी और बैंगन की खेती की तरफ। और ये केला का बगा देना मामू, नहीं पूरा केला का बगाते, इस तरफ भी चलेंगे हम।
आपको अंदर से दिखाएंगे केला का पूरा बागान, लेकिन यहाँ जाना थोड़ा रिस्क है। यहाँ पे सांप भी होता है बहुत, है ना मामा? नहीं। जल्दी आ जाओ, ये केला की खेती की तरफ से गुजर रहे, देखे केला कैसे लगा हुआ है। आपके मुंह में तो पानी आ रहा होगा भाई केला देख के। बड़ा हरामी हो बेटा। ये देखे केला, तो हम आपको दिखाने वाले केला का फूल, आप लोगों को दिखाते हैं केला का फूल कैसा होता है। फूल ये आप देख सकते हैं गाइस, ये फूल इसका केले का लगा हुआ आप है। तो सब्सक्राइब कर दे भाई चैनल को, पूरा केला मजा आया लगा हुआ है। केला का फूल भी मैंने दिखा दिया आपको, और ये केला लगा हुआ है। अब ये नीचे तक आएगा पूरा, ये केला का पूरा बाग है। अंधी ये जामुन का पेड़ है। हम आगे कौन कौन सा बताइए मामू, कौन कौन सा है? इधर इधर बताइए। ये लसोड़ा है। हाँ ये लसोड़ा का दरख्त है। नहीं ये है क्या बोले, ये तो माल्टा का, ये माल्टा का दरख्त है भाई। माल्टा का दरख्त है, चलते हैं इसके पास हम लोग चलते हैं। वो लसोड़ा है, वो लसोड़ा है दरख्त है, वो बेर है, ये लसोड़ा है, वो बेर का दरख्त है भाई। आप लोग देख सकते हैं सामने बीच में, ये लसोड़ा है, ये वाला जो है वो लसोड़ा का दरख्त है, जो बड़ा बड़ा पत्ता वाला है। लसोड़ा क्या होता है? ये वो उसका अचार बनता है। अच्छा अचार बनता है, अचार भी बनता है ऐसे भी। हाँ ऐसे भी खाते हैं, अचार भी बनता है, बहुत खाया है। शहतूत है, देख शहतूत कौन सा मामू? ये पूरा शहतूत है, आप देख सकते हैं ऐसे शहतूत का दरख्त है ये। वो करीब से भी दिखाते हैं। और ये जो है ये छुई मुई है, ये छुई मुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये है इमली, कौन सा मामू? इमली चीकू, ये जो इमली लगा हुआ ना, ये इमली लगा हुआ, और ये चीकू का दरख्त है। देखिए चीकू भी लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा चीकू है, आप देख सकते हैं छोटा छोटा। ये रहा ये चीकू का दरख्त है। सो गाइस हम लोग को वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। किसी दिन सुबह आएंगे तो फिर यहाँ का वीडियो बनाएंगे आपको, खेत का तुरई और पपीता और लाल साग का। तो अच्छा खेती नज़र आया था, लेकिन जो है ना आप देख सकते हैं तुरई का दरख्त है, सिर्फ कैमरा दिखा रहा है। तुरई का भी दिखाता हूँ मैं आपको, तुरई का खेती है ये, तुरई बैगन। सो गाइस ये तुरई का पूरा खेती है, और मैं यहाँ पे आया हूँ, खैर यहाँ वीडियो बनाने तो दे रहे हैं, और फिर भी हम सब के वीडियो बना रहे हैं गाइस। बंदा हमें देख रहा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अरे क्या करें, वीडियो तो आए तो बनाना तो पड़ेगा ही अब। तो गाइस फाइनली बहुत मजा आ रहा है आपको, ये देख सकते हैं आप। सो गाइस ये है पपीता का दरख्त, आप देख सकते हैं ये पपीता का दरख्त है। पपीता का खेती भी हुआ हुआ है, वो पपीता लगा हुआ है इसमें, पपीता का फल भी दूर से नज़र आएगा। यहाँ वीडियो बनाने तो नहीं दे रहा, उससे छुप के बना रहा हूँ मैं, फैमिली भी है यहाँ पे मौजूद। तो चलते हैं हम दोबारा उस तरफ। भाई मेरे वीडियो पीछे देख सकते हैं आप, ये पूरा खेती है, लेकिन यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं मैं, तो हम चलते हैं दूसरी तरफ। गाइस हम लोग केला के खेत के अंदर आ चुके हैं, और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये है मुजम्मिल, और ये है मुजम्मिल की तरह पतला केला। गजब बेइज्जती है। हम लोग आ चुके हैं अंदर, दिखाते हैं आपको केला का खेत। ये रहा फिर दोबारा से फूल नजर आया, और ये देखो छोटा छोटा सा केला। केला का बच्चा। अच्छा हमको सिखा रहा है। लोग जा रहे बैर तोड़ने, महू बैर है ये, देखिए बैर का आपको दिखाते हैं। तो गाइस तुमसे बैर तोड़ रहे हैं, बहुत मजा आने वाला, मजा आया। और ये जो मामू है हमारे, ये बैर तोड़ रहे आज हमारे लिए गाइस। ये रहा बैर। तो गाइस अगर आपको बैर अच्छा लग रहा है तो आप खा सकते हैं गाइस। ये रहा बैर, नकली बैर है। चलिए हम लोग बैर अभी तोड़ते हैं, सही से जमा कर ले। नहीं देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो खाने का मिल जाए। हे अच्छा अच्छा, हे अच्छा अच्छा है मामू। एक तोड़ के तो देखे, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला बड़ा है ये।
गाइस यहाँ पे हम कुद कुद के बैर तोड़ रहे और यहाँ केला भी लगा। बड़ा हरामी हो बेटा। गाइस अब केला का थान तो हमारी अपने लिए निकलवा चुके हैं, अब केला का थान तो घर लेके जाएंगे। तो गाइस बच्चे देखिए और हमें वीडियो से रोक रहा है, और यहाँ पे वीडियो से रोक रहा है। खाना लाओ। तो पीछे पीछे हमारे वहाँ है बच्चा, वो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको मैं हम आगे चेक करते कैसा है। कच्चा है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मुंह कसकस हो रहा है, मुंह खट्टा हो गया भाई, मजा नहीं आ रहा है। चलो अंदर की तरफ चलते हैं। ये इतना सा बच्चा बार बार बोला अंदर मत जाना, इसको अब अंदर करके बांध देंगे हम। पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो इसको। उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। तो बांध देंगे हम। आप देख सकते हैं कि बच्चा मेरे को था, लेकिन उसके बावजूद भी हम अंदर आए हैं। और आप देख सकते हैं पूरा पीछे केले आ गए थे, वो केला लगा हुआ वहाँ पे, यहाँ पे चारों तरफ केले का बदल, और ये बीच में मेरे ख्याल धनिया से है। धनिया खाया बीच में? नहीं, ये धनिया का नहीं है। ये क्या चीज का दरख्त है बेटा? बरसिंग। ये बरसिंग का दरख्त भाई मुझे तो नहीं पता, आप लोग बता सकते हैं। आप लोग अगर देखे होंगे तो कभी करीब से भी दिखा देता हूँ मैं। ये किसको खिलाते हैं? ये भाई भैंस को खिलाते हैं भाई, ये बरसिंग को भैंस को खिलाते हैं। ये भाई लोग भी आए हैं, वो चलते हैं। आप केला तो एकदम पतला पतला है, केला तो एकदम पतला पतला है। केले पक्के पक्के भी हैं, हमें तो पक्का नजर नहीं आया, अभी तो पक्का हुआ, सिर्फ तुम ही नजर आ। बड़े हरामी हो बेटा। देख सकते हैं खजूर का दरख्त तोड़ दिया। और गाइस यहाँ देख सकते हैं कि मैं फिर से ये है बड़ा केला, केले के पास खड़ा हुआ हूँ, केले के पास खड़ा हुआ हूँ। ये केला का थान है बड़ा। अब हम चलते फार्म की तरफ, और अब हम चलते फार्म की तरफ मुर्गी फार्म। चलो बच्चे यहीं से चले। हाँ यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। तुमने यहाँ क्या क्या चीज उगाता है? इधर आओ, क्या क्या चीज उगाता है तुम लोग यहाँ? और इधर आके बताओ ना, इधर आके बताओ, वीडियो में आके बताओ बेटा। अच्छा बताओ क्या क्या उगाते हो? इधर आओ। केले, चीकू, खटारे। आओ आओ, पिंडी भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, लहसुन भी है, बेचण दा मन भी है, खरीदे दे कोई चाहो। और नींबू, और टमाटर, और मेथी, यही बस, यही सब उगाते हो? और हम वो भी उगाते हैं। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। सब्जी भी, दूसरी बात भी कहता, गलत नहीं थी वैसे। अच्छा कितने साल से काम कर रहे हो तुम? बहुत साल से। बहुत साल से कर रहे हो? तुम्हारा अबू करता है और तुम सिर्फ देखभाल करता है। आ रहा हूँ मामू। ये कह रहा मुजम्मिल, इतना सा बच्चा काम कर रहा भाई, वो सिर्फ रोकने का काम, बाकी उसका अब्बू खेती करता है। और ये वडेरेगिरी कर रहा है भाई, ये बहुत बड़ा वडेरा है। ये लो एक और वीडियो बनाने बच्चे लोग आ गए। बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो एक बार, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलो। ये भी टिकटॉकर है। टिकटॉकर है भाई ये भी तो। गाइस देख सकते हैं आप, ये टिकटॉकर है, ये टिकटॉकर है, और मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूँ। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो ये बताओ अमेजिंग ब्लॉग विद अली को सब्सक्राइब करें। बोलो बोलो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको चलते हैं फार्म की तरफ लेके, खेत बहुत घूम लिए, खेत बहुत घूम लिए, और लाल साग भी तोड़वाते हैं अभी घर के लिए, लेके चलते हैं लाल साग।
सो गाइस आगे लेडीज लोग इसलिए अंदर नहीं जा सकते खेत के, तो इतना अच्छा वीडियो मिस हो गया हमारा थोड़ा सा जो है ना। अरे अभी मुजम्मिल गिर भी गया था। हाँ, और एक बार अली भाई को यहाँ पे कुत्ता भी दौड़ा चुका है गाइस। अली भाई, जी भाई, आपके लिए एक डीआरए कर लोगे? क्या दे रहे हो? वो देखो सामने कुत्ते बैठे हुए नजर आ रहे हैं ना। यार इन्होंने भौंक भौंक के ना दिमाग खराब कर दिया, इनके साथ जाके प्रैंक तो करो। देखते भाई क्या आता है, कार्ड भी काट भी सकता है भाई, देख लो लाइक कर देना आप लोग। वो वाला वीडियो आप बना नहीं सही से कुत्ता लाल साग हमारा कट गया है। ठीक है दिखाते हैं लाल साग, आज हम लोग लाल साग भी खाएंगे और केला भी खाएंगे। यहाँ से हम केला भी लेके जा रहे हैं गाइस, दिखाते हैं कटाई कैसे होता है इसका, साग का पक्का कटाई कर रहे हैं लाल साग का। ये लाल साग देखिए कैसे कटाई करते हैं, देखिए इनका स्पीड देखें कितनी जल्दी जल्दी इन्होंने गड्ढी बना दिया। ये 300 का ये देखिए, ये मेथी का साग है हमारा, मेथी का साग भी निकल रहा है भाई, निकाल रहे हैं मेथी का साग। यानी सारे खेती एक साथ करते हैं ये छोटे छोटे जगह। हाँ आएगा ना, वो बिलाल से दो दो मावा ला के देना सौ वाला इसको। ठीक है ठीक है, भाई के लिए मावा लेकर आएंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये भी भाई मावा का डिमांड कर रहे हैं, देखते हैं कहीं से मावा मिलेगा तो उनके लिए लेके आएंगे। तो भाई के लिए भी साग कटा जो तीन भाई आए, ये दिखाते साग। और ये हमारा साग गाइस, ये हमारा साग है, लास्ट हमारा नहीं है, ये उनका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ये उनका है तो भाई आ रहे हैं, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे हम। गाइस ये भी भाई लोग हैं साग लेने आए थे। अकार को मां बोले भाई लोग चैनल सब्सक्राइब करने का। हां जो और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। ये हम लोगों ने साग लिए यहां से, हां देखो पर उसमें आ रहा है भी हो गया और यहां से निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक, सो गाइस अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। और ये लाल साग और ये क्या मेथी का साग है ना, मेथी का साग है, ये मेथी का साग है, लाल साग है। सो गाइस आज हम बाग से ये लेके जा रहे हैं और केला का थान, केला का भी थान लेके चलते हैं। अब चलते हैं फार्म के अंदर, एंट्री। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हम फार्म के अंदर आ गए। नहीं मामू क्या चूजा नहीं है आज? अरे यार हम लोग गलत टाइम पे आ गए, चूजा तो मंगल को आएगा। प्रैंक हो गया आपके साथ। इंशाल्लाह मंगल को हम लोग आएंगे तो आपको चूजा का भी वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि बुध को हम लोग आएंगे, बुध को नहीं अगले संडे को आएंगे। ठीक है अगले संडे के ब्लॉग में आपको चूजा दिखाते हैं। और ये रहा हमारा केला का थान। चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ दिखाते हैं आपको। हाँ लाइट जलाइए, अंदर चल की तरफ आपको दिखाते हैं कि फार्म की तैयारी कैसे होती है। और यहाँ चूजा भी आएगा कम से कम, अभी बताता हूँ मामू से पूछ के तादाद कितनी होती है चूजे की। तो आपको दिखाते हैं हम जगह चूजा का। तो फाइनली गाइस ये है जगह, यहाँ पे चार हज़ार 5,000 चूजा यहाँ पे आएगा। अभी तो तैयारी मुकम्मल हो चुका है, अभी इस पे ऊपर अखबार बिछेगा ना, इसके ऊपर अखबार बिछेगा, फिर उसके बाद चूजा यहाँ रखा जलेगा। वो ब्रोडिंग है, दिखाता हूँ आप क्या चीज़ है। ये ब्रोडिंग है ड्रम गर्म की, गर्मी ये चूजा की गर्मी के लिए, इसमें आग जलाते हैं और ऊपर जो तावा लगा हुआ है ना बड़ा सा, ये हीट देता है पूरा नीचे। और यहाँ चूजा पूरा 5,000 चूजा इस जगह पे अभी आएगा। आप देख सकते हैं ये मिट्टी घास है, वो दो लकड़ी का बुरादा होता है ना, ये लकड़ी का बुरादा बिछा हुआ है ताकि कोई चूजा को परेशानी ना हो। ये जगह चूजा 5,000 चूजा इस जगह में भी आएगा। फिर उसके बाद इसके पीछे बैक साइड भी जगह है, वहाँ दाना रखाता है चूजा का और फिट वगैरह जो होता है। बाकी ये जगह भी पर्दा घेरे हुए यहाँ पे कि सर्दी की वजह से भी चूजा अगले हफ्ते आएगा, अभी मंगल बुध तक आ जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर नेक्स्ट संडे जो हम आएंगे यहाँ पे तो चूजा का वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कितने दिन में तैयार होता है चूजा।
ये सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो है ना आने वाली वीडियो का आपको खबर मिलती रहे। तो भाई ये सर पे लगा है, नहीं ये खाने के लिए होता है, इसमें यहाँ फीट यहाँ से डालते हैं और यहाँ नीचे जमा होता रहता है, खाली होता रहता है ऊपर से नीचे तक, यानी ऊपर से नीचे तक खाली होता रहता है और यहाँ फीट जमा हो जाता है। चूज़ा लोग जो उसको खाता है, ये इसका दाना का भी साइज़ होता है, पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता दाना क्या चलता है वो अलग अलग साइज़ होता है। और ये पानी के लिए होता है, जैसे पानी रखते हैं चूज़ा यहाँ से पानी पीता है। ये सब अभी रखा है अंदर, और ये लकड़ी है जलाने के लिए, ये सारी लकड़ी है जलाने के लिए, और ये सब खाने का इंतज़ाम अब सब कुछ है। ये पाइप के बीच में अगर दवाई वगैरह देना होता है तो इस पाइप से गुजरता है, और ऊपर टैंकी बना हुआ, वहाँ पे दवाई अगर डाल दिए जैसे टैंक वगैरह होता है, ज़रूरत पड़ता है टैंक का भी, दवाई में क्या क्या होता है इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सारा सामान है खाने वाने का, जब यह चूज़ा आएगा तो फिर वो सीन देखने का कुछ अलग होगा। अगर आपको देखना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ इंशाल्लाह। सो गाइस अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ, और ये लाल साग, और ये क्या मेथी का साग है ना, मेथी का साग है, मेथी का साग है, लाल साग है। सो गाइस आज हम बाग से ये लेके जा रहे हैं, और केला का थान, केला का भी थान लेके चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।